अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ सोल्यूशन में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आजकल बाल झड़ने की परेशानी हर किसी से सुनने को मिल जाती है। बाल झड़ने का कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि धूल मिट्टी, प्रदूषण, मौसम में बदलाव, चिंता, खराब खान पान आदि। आजकल सभी का टाइम टेबल इतना व्यस्त हो गया है कि बालों पर ध्यान कम दिया जाता है, जिस कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। जब यह दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग इस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ने के घरेलू उपाय का इस्तेमाल करें। आप सभी ने सुना होगा कि प्राकृतिक तरीके सबसे अच्छे होते हैं। अधिकतर प्राकृतिक तरीकों से नुकसान होने की आशंका कम होती है। बाल झड़ने से रोकने के घरेलू उपाय की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय जिन्हें अपना करके आप बालों की झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय यह है कि शहद कई बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। शहद के प्रयोग से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। शहद को बालों में लगाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है तथा दालचीनी भी बालों की समस्या को दूर करने का एक कारगर उपाय है। दालचीनी और शहद को मिला करके आप अपने बालों में लगाइए, इससे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि झड़ते बालों का इलाज धनिया से भी किया जा सकता है। हरी धनिया को पीस करके इसका लेप बना लीजिए और इसको अपने सर पे लगा लीजिए, इससे आपके नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप एक महीने तक कर सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि चमेली का तेल बादाम आंवला के गुड़ों से भरपूर होता है और बालों को मजबूत करके इनको झड़ने से रोकता है। पूरी तरह से शुद्ध इस औषधीय तेल में उपस्थित आंवला, बादाम, जेप और जैस्मीन आपके बालों को एक मीठी सी सुगंध देते हैं और साथ ही उन्हें तंदुरुस्त भी रखते हैं। इस तेल के प्रयोग से बालों की झड़ने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा उपाय यह है कि उड़द की दाल को उबाल करके आप उसे अपने सिर में रगड़ रगड़ कर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। पांचवा उपाय यह है कि बालों को झड़ने से रोकने के उपाय में प्याज की तरह लहसुन में भी सल्फर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि प्राकृतिक रूप से बालों के बढ़ने में सहायता करने वाली तमाम पारंपरिक औषधियों में लहसुन की मात्रा होती है। इस विधि के अंतर्गत लहसुन के कुछ कलियां पीस लें तथा इसमें नारियल का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक उबालें और अब इसे ठंडा होने दें तथा ऐसा होने के बाद इस मिश्रण से सिर की मालिश करें। अब इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ दें तथा फिर अपने बालों को धो लें। इस प्रक्रिया का प्रयोग आप हफ्ते में दो बार अवश्य करें। छठा उपाय यह है कि बालों में जैतून के तेल से मालिश करके आप गर्म पानी से भीगा टॉवल निचोड़ करके अपने सिर पर रखें। इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी तथा बाल गिरने बंद हो जाएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।